हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देखो सीखो एजुकेशन। तो आज हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके आए हैं। करंट अफेयर पर चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आने वाली सब वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देखो सीखो डॉट गुरु पे विजिट कर सकते हैं, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के वीकली करंट अफेयर के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने यूएन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप 2021 जीता है? तो इसका आंसर है दिव्या हेगड़े, और इन्हें यह अवार्ड लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है, और यह जो है यह केरल के उडुपी जिले से संबंध रखती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका ने भारतीय मूल की किस महिला को तिब्बती मुद्दों के लिए विशेष समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है उजरा जया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है प्रदीप रावत। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने ऑक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर को संवेदनशील जीव घोषित किया है? तो इसका आंसर है यूके। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में अमरावती शहर में लगभग 2000 पालतू और आवारा कुत्ते किस वायरस से प्रभावित हुए थे? तो इसका आंसर है कैनाइन पावरो वायरस, और यह अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो कुत्तों के लिए जानलेवा हो सकती है। छठा प्रश्न है, 21 दिसंबर को किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जयंती मनाई जाती है? तो इसका आंसर है ठाकुर प्यारेलाल सी सिंह, और इनका जन्म जो है वो छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले के देहान स्थान पर हुआ है, और इनकी जो जन्मतिथि है वो है 21 दिसंबर 1891। आठवा प्रश्न है, हाल ही में शीतकालीन संक्रांति के साथ कश्मीर में किस कला का दौर शुरू हो गया है? तो इसका आंसर है चिल्लई कला। चिल्लई कला जो है यह एक फारसी शब्द है और इसका अर्थ है बड़ी सर्दी। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम्स ईयर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 घोषित किए गए, इन पुरस्कारों के तहत किस यूनिवर्सिटी को डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, हर साल 22 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय गणित दिवस, और यह दिवस जो है यह भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने की घोषणा 26 फरवरी 2012 को डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी, और 1918 में प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप भी इन्हें मिली थी। अगला प्रश्न है, 19 दिसंबर 2021 को किस देश ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है यूएई। अगला प्रश्न है, 20 दिसंबर 2021 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर उड़ीसा के सबसे लंबा पुल टी सेतु का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है महानदी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में इंडियन रेलवे ने पहला सोलर प्लांट लगाया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। चौदवा प्रश्न है, रोंगबोक हिमनद किस पर्वत चोटी श्रेणी का हिस्सा है? तो इसका आंसर है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने चीन की मुद्रा युआन को ऑफिशियल सेटलमेंट करेंसी के रूप में स्वीकार कर लिया है? तो इसका आंसर है म्यांमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में मृत्यु दंड के खिलाफ मानव अधिकार संगठनों ने आवाज उठाई है? तो इसका आंसर है जापान, और वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी भी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। डेथ पेनल्टी रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्तमान में कुल 108 देशों ने पूर्ण रूप से मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, भारत में 23 दिसंबर को किसके दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय किसान दिवस। यह दिन जो है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। 18वां प्रश्न है, देश भर के नवोन्मेषकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए नीति आयोग ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है कांस्य पदक, और यह पदक जो है भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर जीता है। अगला प्रश्न है, 20 दिसंबर 2021 को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एचआईवी के जोखिम को कम करने के लिए दुनिया की कौन सी पहली इंजेक्शन योग्य दवा को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है एप्रेट्यूड। 21वां प्रश्न है, दक्षिण चीन ने गंजोऊ में कितने मिलियन साल पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की है? तो इसका आंसर है 66 मिलियन साल। 22वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडर जो हैं उनके लिए पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। 23वां प्रश्न है, एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन से देश की बनी है? तो इसका आंसर है भारतीय रुपया। 24वां प्रश्न है, भारत हर में हर साल 24 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन ने 2021 के लिए पुरुषों और महिलाओं की रैंकिंग जारी की है, इसमें ऑस्ट्रेलिया को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है पहला, और बेल्जियम जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है, भारत तीसरे स्थान पर रहा है। महिलाओं की टीम की बात करें तो नीदरलैंड पहले स्थान पर रहा है और भारतीय जो महिला हॉकी टीम है वो 9वें स्थान पर रही है। 26वां प्रश्न है, पंजाब कैबिनेट में अनारक्षित वर्ग के लिए किस आयोग को हरी झंडी दे दी गई है? तो इसका आंसर है पंजाब राज्य सामान्य जाति आयोग। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने आपसी संवाद के लिए किस एक नए मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ASIGMA और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आर्मी स्क्वेयर इंडिजेनियस मैसेजिंग ऐप। 28वां प्रश्न है, 32 सालों की सेवा के बाद भारतीय नौसैनिक किस जहाज को विशाखापट्टनम से सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर है INS खुखरी और यह स्वदेशी रूप से विकसित एक पहला मिसाइल कॉर्वेट था और इसको मसगाम डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया था और यह मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिल्वर लाइन परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर है केरल। और सिल्वर लाइन परियोजना जो है वो एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है और इसका हाल ही में विरोध भी किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत के किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोलने की बात की है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय का गठन 24 दिसंबर 1921 को किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित करते हुए धर्मांतरण विरोधी प्रावधान किए हैं? तो इसका आंसर है कर्नाटक सरकार। अगला प्रश्न है, ब्रुसेलोसिस बीमारी क्या है? तो इसका उत्तर है, यह हड्डियों की त्वचा और लीवर के अलावा केंद्रीय स्नायु तंत्र और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा पिलर ऑफ शेम कहां पर स्थित है? तो यह हांगकांग में स्थित है और हाल ही में चीन सरकार ने हांगकांग यूनिवर्सिटी से पिलर ऑफ शेम स्मारक को हटा दिया है। अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर 1861 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता है। 1916 में वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, उनके जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सुशासन दिवस। अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर 2021 को कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल की पहली सफल परीक्षण उड़ान का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है प्रलय मिसाइल। 38वां प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है नासा। 39वां प्रश्न है, किस राज्य ने समाज सुधार अभियान शुरू किया है? तो बिहार राज्य ने समाज सुधार अभियान शुरू किया है। 40वां प्रश्न है, गोवा की राज्य तितली किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है मालाबार ट्री निम्फ और यह सफेद तितली की एक प्रजाति है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है? तो इसका आंसर है हरियाणा सरकार। 42वां प्रश्न है, किसको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो इसका आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो और यंग बंगाल आंदोलन का संस्थापक भी इन्हें कहा जाता है और साथ में बंगाल स्पेक्टेटर्स नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया है। 43वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में कितने साल बाद तिस्मानिया तट के पास एक दुर्लभ गुलाबी हैंडफिश देखी है? तो इसका आंसर है 22 साल बाद और इसे बॉकिंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध क्रिकेट से है और हाल ही में पहली बार हिमाचल प्रदेश जो टीम है उसने विजय हजार ट्रॉफी जीती है और इन्होंने पूर्व चैंपियन तमिलनाडु को हराया है। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है लियो एच बैकलैंड और आंकड़े के मुताबिक हर साल दुनिया में करीब 300 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। 46वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक दल ने किस नाम के जर्नल में विश्व के सबसे पुराने फैमिली ट्री प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर है नेचर और इस फैमिली ट्री के लिए किए गए शोध में लगभग 5,700 साल पहले रहने वाले 35 व्यक्तियों के अवशेषों का विश्लेषण किया गया है। 47वां प्रश्न है, डेसमंड टूटू का 26 दिसंबर 2021 को निधन हो गया है, वे कौन थे? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका के मुख्य धर्म अध्यक्ष और रंग भेद विरोधी आंदोलनकर्ता। इन्हें गांधी पुरस्कार जो था 2005 में मिला था और इसके अलावा स्वतंत्रता का अमेरिकी राष्ट्रपति पदक जो है वो 2009 में मिला था
और इसके साथ ही टेम्पलटन पुरस्कार जो है 2013 में मिला था। 48वां प्रश्न है, कौन सा देश जल्द ही त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म परियोजना को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत के साथ लंबे समय से चल आ रहे समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, 23 दिसंबर को किस प्रसिद्ध कवि की 224वीं जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर है मिर्जा गालिब। और इनका जन्म जो था वो 1797 में आगरा में हुआ था और यह बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबार के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। 50वां प्रश्न है, 27 दिसंबर को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो इसका आंसर है महामारी तैयारी दिवस, और इस दिवस को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव में मंजूरी दे दी गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान को सबसे पहली बार किस दिन को गाया गया था? तो इसका आंसर है 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन जो की कोलकाता में हो रहा था उसमें राष्ट्रगान को गाया गया था। इसके साथ ही जनगण मन के हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा औपचारिक तौर से अपनाया गया था और अनुच्छेद 51A के पहले पार्ट के मुताबिक यह हर नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वह राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करे, और 51वां जो आर्टिकल है वो नागरिकों के मूल कर्तव्य से रिलेटेड है। रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, पहला भारत का और दूसरा बांग्लादेश का। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में कौन सा देश 10 लंबे वर्षों के बाद UNC आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? तो इसका आंसर है भारत। इंडोगी झील किस देश में है? तो इसका आंसर है म्यांमार। और इस झील में दो प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि पाइपफिश की प्रजाति हैं दोनों प्रजातियां, और यह दोनों प्रजातियां जो हैं इस झील की एंडेमिक प्रजातियां हैं, और एशियन हेरिटेज पार्क का दर्जा भी इस झील को मिल चुका है। अगला प्रश्न है, काशी फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव और उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस मंत्री ने 29 दिसंबर को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार। अगला प्रश्न है, 28 दिसंबर को किस हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि की पुण्यतिथि होती है? तो इसका आंसर है सुमित्रा नंदन पंत, और उन्हें हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एंटमैन और मॉडर्न डार्विन के नाम से किस महान वैज्ञानिक को जाना जाता है? तो इसका आंसर है एडवर्ड ओ विल्सन, और इनका 92 वर्ष की आयु में वर्लिंगटन में निधन हो गया है। 1975 में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक का प्रकाशन किया था, उनकी जो पहली पुस्तक थी वो थी सोशियो बायोलॉजी द न्यू सिंथेसिस। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने वर्ष 2019-20 के लिए स्टेट हेल्थ इंडेक्स जारी किया है, बड़े राज्यों के ओवरऑल रैंकिंग में कौन से राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हुए हैं? तो इसका आंसर है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, और छोटे राज्यों में मिजोरम और त्रिपुरा जो हैं वो फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हुए हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नगर हवेली और दमन और दीव चंडीगढ़ फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 2021 को चीन द्वारा किस नाम का एक नया चीनी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है जियान 102E। इस उपग्रह को प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर है विरल देसाई, जो कि सूरत के एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। अगला प्रश्न है, नासा का कौन सा मिशन अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर है साइके मिशन। 62वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है एओ ह्यूम। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, और जो पहले जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे भूमेश चंद्र बनर्जी, और 1885 में 72 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया है? तो इसका आंसर है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। और इस बार सुशासन सूचकांक 2021 के ढांचे में 10 क्षेत्र और 58 संकेतक शामिल किए गए हैं, और 10 क्षेत्रों को कवर करते हुए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली प्रथम स्थान पर है, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सभी क्षेत्र के बीच वाणिज्य एवं उद्योग में प्रथम स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, मुंबई प्रेस क्लब द्वारा शेष दो रेड इंक पुरस्कारों की घोषणा की गई है, इन पुरस्कारों में जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है दानिश सिद्दीकी, और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर
अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर है आलिया भट्ट। 66वां प्रश्न है, 30 दिसंबर को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के किस जनक की पुण्यतिथि है? तो इसका आंसर है विक्रम अंबालाल साराभाई। और 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय समिति की स्थापना की, जिसका नाम भारत में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में मध्य प्रदेश के महू में कौन सी प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के महू में जो प्रयोगशाला खोली है वो है क्वांटम प्रयोगशाला, और क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की सहायता से की गई है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 पुरस्कार की सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में शीर्ष स्थान किस संस्थान ने हासिल किया है? तो इसका आंसर है IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, हूती विद्रोह किस देश से संबंधित है? तो यह यमन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस दक्षिण एशियाई देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। तो दोस्तों ये थे वीकली करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप ज्यादा जानकारी के लिए देखो सीखो .guru पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और बाकी सारे टॉपिक्स जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स के टॉपिक्स अवेलेबल मिल जाएंगे। धन्यवाद।